बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पानी की कहानी पार्ट 16 पढ़ा, रामचंद्र तिवारी जी द्वारा रचित है। उसका अगला भाग हम आप पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। जो पानी की जो बूंद थी बर्फ से पिघलकर पानी के रूप में बदल गई, उसके बाद में वो समुद्र में पहुंची। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। जो पानी की बूंद थी पहले बर्फ थी, लेकिन ज़्यादा जो गर्मी के कारण वो पिघल गई और एक बूंद के रूप में समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनित है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जो मन जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहज हो चला। जो समुद्र होता है उसका पानी खारा होता है, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो जब पानी की बूंद समुद्र में पहुंची तो उसे ये सब देखकर पहले तो असहज महसूस हुआ, परंतु धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। तो अभी तक तो जो बूंद थी ऊपर ही थी, लेकिन उसने अंदर जाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। 8 हाथ वाला यहाँ पे ऑक्टोपस की बात की जा रही है। तो जब बूंद समुद्र की गहराई में गई तो उसको पता चला कि समुद्र में सिर्फ पानी ही नहीं और भी कई जीव होते हैं, कई तरह के। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। जो 8 हाथों वाली जो जीवता समुद्र में इन अपने 8 हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। जो सूर्य का प्रकाश है पानी में अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बूंद ने सोचा कि आगे मुझे कैसे दिखाई देगा। तो तभी उसे एक जीव दिखाई दिया जो उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इससे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो ये जो मछली है, इसकी रोशनी में जो छोटे मोटे जीव आ जाते थे, जब वो भूखी होती थी उसको खा लेती थी। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक मैं पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर जंगल है, उसी तरह पानी समुद्र में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे जीव ये होते हैं। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत आयात में उगे हुए थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी है।
तो यहाँ पे जो जीव थे काफी, जैसे कछुआ हो गया या और भी कई तरह के जीव हो गए, वे जो पानी में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाती है और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। जो जल की बूंद थी वो ऊपर आना चाहती थी, परंतु उसमें और भी जल कण होने के कारण वो ऊपर नहीं आ सकी और अंदर पृथ्वी में चली गई। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ दिन सम्मति में वही रहना पड़ा। सम्मति मतलब एक साथ होने की राय। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। जब जल की बूंद समुद्र में से पृथ्वी में चली गई तो वहाँ जाकर उन्होंने चट्टाने और कई चीज़ें देखी, तो उनमें से कुछ बूंदें चाहती थी कि वो कुछ समय वहीं रुके और कुछ चाहती थी कि हम पृथ्वी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला इस पार्ट का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।